हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैनिफेस्टेशन ऑफ पास्चरल। तो या तो बहुत ऑब्जेक्टिव में आएंगे या बहुत ही छोटे शॉर्ट नोट्स में आएंगे। अगर एनआईटी से एसएनएफएल से आ जाए तो ऐसा मत सोचिए कि आपने पढ़ा नहीं। आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि राइनाइटिस तो आप जानते ही हो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल मेकस मेम्ब्रेन का है, एसएनएफएल जो साउंड प्रोडक्शन होता है, पास्चरल से होता है। अब इसके बाद अगर आप कुछ नहीं भी जानते और आपको मान लीजिए शॉर्ट नोट में ही आ गया तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो एट दिस स्टेज। आपको पता है कि पास्चरला का अपना प्रॉपर्टी क्या है, आपको पता है राइनाइटिस वगैरह तो नेजल कैविटी नेजल मेकस मेम्ब्रेन के जो चेंजेस होंगे आपको दिख रहा है क्या स्लाइड? नो सर। अच्छा, मुझे भी लग रहा है स्लाइड सर। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तुम घबराने करने की मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा। आप जिस स्टेज में आप हैं सेकेंड ईयर का जो अंतिम फेज चल रहा है उसमें इतना मेंटली मैच्योर हो चुके हैं कि अगर छोटे से शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए एक दो नंबर का और अगर आप सिर्फ उसका टर्म पता है आपको डिजीज का उससे अगर कुछ निकल के आ जा रहा है प्लस उसका जो इटोलॉजी अगर आपको पता है उससे भी आप एक दो नंबर का तो बैठे बैठे फ्रेम कर सकते हैं। इसलिए एकदम उस तरह कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक दो नंबर में कितना लिखना है नहीं लिखना और लॉन्ग क्वेश्चन लंबे क्वेश्चन में तो उसका जीरो पॉसिबिलिटी, इसलिए कोई बॉदर करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप पास्चरला जानते हैं तो आप लिख सकते हो ग्राम नेगेटिव है, उसका जो फीचर्स है मतलब जो एनिमल्स में आपने पढ़ा है लार्ज एनिमल्स में पढ़ा उस वही चीज है। पास्चरला तो पास्चरला ही रहेगा और राइनाइटिस से एसएनएफएल से तो सारे चेंजेस उसके अराउंड उसे रिलेटेड जैसे इसमें लिखा हुआ है कि रबिंग होता है ये होता है। आप एकदम फ्री हैं, आप ऐसे बैठ कर सोचिए कि नाक में आपका इरिटेशन आ रहा है तो आप क्या करो, तो आप जो करो वो जेनिबल वही करेगा। तो उसी तरीके से फ्रेम करके आप एकदम लिखिए, रिस्ट्रिक्ट मत है ये कि हमने यहाँ इतना पढ़ा था इतना लिखना है। लिखने वाले ने इतना लिखा आप दो चार पांच ज्यादा लिख दीजिए तो कुछ नया लिख दीजिए तो थोड़ी कोई काट दे, वो तो मैनिफेस्टेशन है एनिमल्स है उसी तरीके से बिहेव करेंगे। और उसका कोई डिटेल स्टडी है भी नहीं कि एकदम ये बताओ कि ये जा रहा है ये जा और आ भी गया तो पास चल रहा है तो पास चल रहा है। जो एच एस में आपने पढ़ा हेमरेजिक सेप्टिसिमिया में हम वही चीज यहाँ पर लिखना सेम स्टोरी है। एच एस में भी तो यही होता है, एच एस में क्या होता है कि निमोनिया निमोनिया आप करते हो तो एच एस में कोई निमोनिया नहीं होता, निमोनिक पास्चरलोसिस तो अलग चीज है, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया अलग चीज। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सारे पैथोलॉजी वैसे ही होंगे, पैथोजेनेसिस वैसे ही होंगे। तो आप जान गए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है उसके बाद आप फ्री होकर लिखिए जो भी लिखना चाहते हैं, नेजल डिस्चार्ज है ये होगा क्रोनिक होगा एक्यूट होगा ये सब चीज फ्रेम कर सकता है। आपने पूरा जनरल पैथोलॉजी पढ़ा है इसीलिए पढ़ाया जाता है कि चीजें बड़ा आसान हो जाए। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जनरल पैथोलॉजी अगर आपका बहुत अच्छा है इधर वाला क्या होता है कि 25% जानो तो 100% लिख दो और ये तो ऐसे हैं जो लैब एनिमल्स वाले ना इसमें सबको थोड़ा ही पता है। तो अगर एक दो टर्म भी आपको याद आ जाए ना कि मैंने पढ़ा था स्निफल्स स्निफल्स आ गया आपको कुछ याद नहीं आ रहा, जितना याद आए कि पास्चरला है और राइनाइटिस है तो बाकी कहानी अपने आप ही हो जाएगी। उसमें बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी ना हुआ है ना लिखना है ना पूछा जा रहा है। तो मतलब इसको बहुत सीरियस होकर बहुत सर खपा के पढ़ने की जरूरत है। एक कॉपी लीजिए और वहाँ पे रिमार्क उस डिजीज के लिए 2-3 पॉइंट लिख लो आपको पर्पस काम करेंगे रिविजन के टाइम पे। अब मान लीजिए राइने का भी और टाइटिस मीडिया आता है तो बड़ा आसान सा लगता है कि अच्छा वो मुझे पता है कि मिडिल ईयर का इन्फ्लेमेशन, लेकिन राइने का पल कुछ नया चीज सुन रहे हैं। नया ये भी नहीं, ये कान के प्रॉब्लम का ही मैनिफेस्टेशन है राइने, गर्दन का टेढ़ा टॉर्टिकोली सर्जन है ना। और बाकी चीजें जानते हो मैं कह दिया पास्चरला से रिलेटेड है तो पास्चरला की चीजें वैसे ही होगा और ओटाइटिस मतलब मिडिल ईयर का इन्फ्लेमेशन है। और इसमें जो भी चेंजेस होंगे आप सोच लीजिए, आपका कान में प्रॉब्लम हो रहा तो क्या नर्वस डिसऑर्डर थोड़ा बेचैनी सा होगा, खुजलाहट सा होगा, टॉर्टिकोलिस होगा, वही चीजें होंगी, सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इधर पलटो उधर पलटो। बाकी तो आप देखिए वैसे ही रोलिंग मूवमेंट होगा, वेस्टिबुलर डिजीज होंगे, टॉर्टिकोलिस होगा, एक्सुडेशन होगा। तो इसको आप पढ़ो मत पढ़ो तो आप लिख ही सकते, सिर्फ इतना याद रखिए कि राइनिक होता क्या है और किससे होता है, सिंपल। हाँ, तो एक अगला मैनिफेस्टेशन ये है पास्चरला का, लैब एनिमल्स डेट इज ओटाइटिस मीडिया और राइनिक और टिल्ट है, ठीक है। अब कंजक्टिवाइटिस, अब इसको क्या पढ़ना आप जानते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या है। अब डैक्रोसिस्टाइटिस क्या है किसी को पता है क्या? डैक्रोसिस्टाइटिस, डैक्रियोसिस्टाइटिस या वीपीआई, वीपीआई मैंने आँख जैसे कौन सा पानी गिर रहा है रो रहा लगातार आई से पानी निकल आंसू गिर रहा, तो नेजोल एक्राइमल डक्ट का इन्फ्लेमेशन
नेजो लैक्रिमल डक्ट का इन्फ्लामेशन है। तो अगर आपको सिर्फ टर्म पता है तो आप बाकी चीजें अपने आप ही फ्रेम कर लीजिए, ठीक है। निमोनिया पस्टुला का मैनिफेस्टेशन ये भी सीवियर फॉर्म में है, ऐसा स्ट्रेन है जो बहुत ज्यादा ही है, या एनिमल का अपना इम्यून सिस्टम इतना नहीं है तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंसिव फॉर्म में आएगा। निमोनिया में सारा कुछ जानते हो, एक जगह पस्टुला मल्टीसिटा लिखिए, उसके मैनिफेस्टेशन लिखिए। अब उसका डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, डिटेल तो आप कर ही लो, ठीक है। निमोनिया क्या होता है जानते ही, किस तरह के अक्यूट होगा, क्रॉनिक होगा, उसमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेगा, पास्टुला में कैसा दिखता है, तो सबको पता है फीवर फॉर्मेशन होता है। तो लिखना है ब्रोंको निमोनिया के चेंजेस क्या है, लिख दीजिए। जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये भी मतलब नॉन स्पेसिफिक की तरह है, जो भी ऑर्गन रिलेटेड टू जेनेटल ट्रैक्ट है सबका इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी टर्म हो गया, बात करते हैं आर्थराइटिस, डायबिटीज, बायोमेट्रा है ना, एब्सेस फॉर्मेशन सिंपल है, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। एब्सेस फॉर्मेशन ये भी आप जानते हो, ठीक है। तो पस्टुला हो गया, कमिंग टू ब्लू ब्रेस्ट, इसका भी आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा मेस्टाइटिस अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें मेस्टाइटिस का फॉर्म है ब्लू बैग होता है, बड़े एनिमल्स में उसको ब्लू बैग बोलते हैं और लैब एनिमल्स में उसे को ब्लू ब्रेस्ट बोलते हैं। सेम इटियोलॉजी है स्टेफाइलोकोकल मेस्टाइटिस, ठीक है। साइनोटिक होने की वजह से ब्लू कलर का हो जाता है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, एडिमेटस एमलेजिक चेंजेस इन द मेमोरी टिश्यू। तो ब्लू ब्रेस्ट आया मतलब स्टेफाइलोकोकस ब्लू बैग, अगर ब्लू बैग याद है तो नेचुरली ये याद है। उसके बाद मेस्टाइटिस से रिलेटेड जो दो चार बातें लिखने लिख दीजिए। कमिंग टू ट्रिपेनोमेटोसिस है ना, ट्रिपेनोमा ये भी जानते हो, ट्रिपेनोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट वेनेरियल डिजीज है। वेनेरियल डिजीज का कोई एग्जाम्पल पूछता है तो खुद छूटते ही बोलते हो जैसे एड्स, एचआई भी उसी के तरीके से आप ट्रिपेनोमा का भी नाम लेते हैं, सिफिलिस के लिए इंपॉर्टेंट, पर रैबिट में सिफिलिस ड्यू टू ट्रिपेनोमा वेनेरियल है, ठीक है। ट्रिपेनोमा ग्रुप वाले सब स्पायरोफिट्स में आते हैं, तो स्पायरोफिटोसिस है। पार्टिकुलर स्पीसीज जो है ट्रिपेनोमा पैरा पैरा लुइस उनिकुलाई है ना, और चेंजेस रिलेटेड टू जेनेटल ट्रैक्ट बल्बा में, प्रिप्यूस में, कुछ अदर एरिया में भी है, लिप साइलेंट्स में, इसको छोड़ भी दोगे तो मेन पर्पस तो आपका सिफिलिस वाला जो चेंजेस है, मेन चेंजेस वही है। वेनेरियल रूट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेस ऑफ स्प्रेड, जैसा कि होता है सिफिलिस में, ठीक है। पैथोलॉजी नॉट इम्पॉर्टेंट, सो कोई डिटेल नहीं पूछने जा रहा। कमिंग टू इंट्रोटॉक्सिमिया, इंट्रोटॉक्सिमिया टर्म्स आप इंट्रोड्यूस्ड है रिलेटेड टू इंट्रोपैथी, टॉक्सिन फॉर्मेशन इन द इंटेस्टाइन लीडिंग टू चेंजेस इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्लोस्ट्रिडियम स्पायरिफॉर्म ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लीडिंग टू डायरिया एंड सडन डेथ। रैबिट का प्रॉब्लम है हाउस बाई क्लोस्ट्रिडियम स्पायरोफॉर्म लीडिंग टू इंट्रोपैथी, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन इन द इंटेस्टाइन, ये स्पीसीज इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट। इंट्रोटॉक्सिमिया आपने पढ़ाई है लार्ज एनिमल्स में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, ये आपने स्पीसीज लार्ज एनिमल्स में नहीं पढ़ा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इटियोलॉजी याद रखिएगा, बाकी सब कहानी वैसा ही है जो आपने क्लोस्ट्रिडियल डिजीज में पढ़े। मेन चेंजेस डायरिया, ब्राउन वाटरी डायरिया, ब्राउन वाटरी डायरिया अगर ऑब्जेक्टिव में है ये हो सकता है आपका,
सर आवाज नहीं आ रहा। ओके, मैं आपसे ये कह रहा था कि इंट्रोटॉक्सिमिया में जो इम्पोर्टेंट एक टर्म है डेट इज ब्राउन वाटर डायरी, एक इम्पोर्टेंट टर्म हो सकता है। रेस्ट इज नॉन स्पेसिफिक, जैसा इंट्रोटॉक्सिमिया में आपने पढ़ा है सब कुछ वैसे ही है, नहीं भी पढ़ा है तब भी लिख सकते हैं, कुछ अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चेंजेज रेस्ट्रिक्टेड टू इंटेस्टाइन कीजिएगा और जो इच्छा होगा लिखिए, ठीक है। कहीं कोई स्पेसिफिक ऐसा टर्म नहीं है जो छूट जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, सारे नॉन स्पेसिफिक चेंजेस है, आसान से लिख सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट डिजीज पैपिलोमेटोसिस, पैपिलोमा फॉर्मेशन, ये आप जानते हो डेट इज बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, जिसको सिंपल इंग्लिश में वार्ट बोलते हैं, वही पैपिलोमा है। डीएनए वायरस ग्रुप का पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन डीएनए ग्रुप का वायरस है, उससे होते हैं। अब दो तरह का ये जो आपका रैबिट होता है, दो तरह के मैनिफेस्टेशन है रैबिट, एक है कॉटन टेल रैबिट पैपिलोमा वायरस और एक है रैबिट ओरल पैपिलोमा वायरस, ठीक है। तो इन केस ऑफ कॉटन टेल रैबिट पैपिलोमा वायरस, वार्ट लाइक फॉर्मेशन अलोंग द नेक शोल्डर एंड एब्डोमेन, वार्ट लाइक कैसा होगा, रेज्ड होगा, रेड होगा, धीरे धीरे नॉर्मल जैसा एक वार्ट होता है, हार्ड है ना, नॉन पेनफुल, इस तरह का ग्रोथ हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओवर द स्किन, तो उसी को हम लोग पैपिलोमा बोलते हैं। ये कहाँ पे हो रहे हैं, ओवर द स्किन नेक एरिया में या शोल्डर एरिया में या एब्डोमेन। एक दूसरा फॉर्म है ओरल पैपिलोमा वायरस, इसमें जो फॉर्मेशन होगा पैपिलोमा का दैट विल बी इन द ओरल कैविटी, कैविटी में, ठीक है। तो ये दो चीज है, दो तरह के मैनिफेस्टेशन है पैपिलोमा वायरस का, एक क्यूटेनियस स्किन के ऊपर और एक है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, वहां भी हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय ए टिक, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, पैपिलोमा वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय ए टिक दैट इज हेमोफाइसेलिस लेपोरिस पैलोस्ट्रिस। तो एटलीस्ट इतना याद रखो कि टिक से भी होता है, सिर्फ टिक से होगा वैसा नहीं है, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है, मॉस्किटो से भी है, बग से भी है, मगर टिक से भी होता है, ठीक है। टिक वाला ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, रेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग टू पॉक्स, ये भी जानते हैं, इन्फेक्शस एक्ट्रोमेलिया माउस पॉक्स था, ठीक है, ये रैबिट पॉक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्यूट जनरलाइज्ड डिजीज ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स कम देखने को मिलता है, रिलेटिवली रेयर है, होते हैं तो यंग रैबिट्स में या लैक्टेटिंग रैबिट्स में। अब दो स्ट्रेन वायरस के, दो स्ट्रेन, एक स्ट्रेन है यूट्रेच्ट स्ट्रेन और दूसरा है रॉकफेलर स्ट्रेन। यूट्रेच्ट स्ट्रेन में क्या होता है कि जो नॉर्मल फीचर है पॉक्स का, पॉक लाइक लेजेंस बनना, वो नहीं बनता, जो पॉक्स में यूजली देखने को मिलता है वो नहीं बनता है यूट्रेच स्ट्रेन में, रॉक फेलर वाले में बनता है जैसा नॉर्मली बनता है। सो पॉक्स के सारे चेंजेस वैसे ही हैं जैसा पॉक्स में होता है, कुछ डिटेल करने की जरूरत नहीं। ये इंपॉर्टेंट है मेक्सोमेटोसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेक्सोमेटोसिस इज इंपॉर्टेंट, इसको बिग हेड डिजीज ही बोलते हैं, मॉस्किटो ट्रांसमिटेड है, मेक्सोमेटोसिस आ सकता है आपका शॉर्ट नोटिस। और दो तरह के रैबिट और दो तरह के मैनिफेस्टेशन देख लीजिए, मेक्सोमेटोसिस ऐसे है क्या, मेक्सोमेटोसिस तो बताएगा, सिंपल से मान लीजिए मेक्सोमेटोसिस ही पूछ लेता है आपसे, तो क्या है ये मेक्सोमेटोसिस मालूम, मेक्सोमा आपने सुना है ना, मेक्सोमा मतलब एक ग्रोथ, ट्यूमरस ग्रोथ होता है, हाँ ट्यूमरस नहीं, ट्यूमरस की तरह लगता है, ओमा लगा हुआ है तो ऐसा लग रहा है ट्यूमर है, लेकिन ट्यूमरस की तरह दिखता है लेकिन कोई ट्यूमर नहीं होता है ना। और मेक्सोमा का मतलब क्या हुआ कि म्यूकॉइड नेचर, एक ऐसा ग्रोथ जिसका अगर आप सेक्शन करो अंदर देखो तो अंदर में म्यूकॉइड नेचर की चीजें, म्यूकॉइड नेचर, तो एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकॉइड, म्यूकस नहीं है म्यूकॉइड है, मतलब म्यूकस की तरह दिखने वाली चीजें जैसा
या प्लाज्मा में पड़े होंगे आप, उसमें भी रहता है आपका थायराइड डिफिशियंसी, थायराइड थायरेक्सिन हार्मोन का जब डिफिशियंसी हो जाता है मिक्सोडीमा एनेक्टम है ना, थायराइड डिफिशियंसी जैसे ग्वाइटर होता है वैसे मिक्सोडीमा भी। तो मिक्सोडीमा का मतलब कि म्यूकस लाइक चीजें का एकुमुलेशन हो जाए और ये लोकलाइज होता है, इसीलिए वहां पे स्वेलिंग सा ग्रोथ सा हो जाता है, अपीयरिंग एज ए ट्यूमर, ट्यूमर नहीं होता, स्यूडो ट्यूमर्स होते हैं म्यूकॉइड नेचर का, ठीक है। तो मिक्सोमाइकोसिस इज ए पॉक्स वायरस, लेपोरी वायरस, लेपोरी पॉक्स वायरस, लेपोरी पॉक्स वायरस, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या एरोसोल ट्रांसमिशन, क्लिनिकल साइन, द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज वेरीज विद द स्ट्रेन ऑफ वायरस एंड द होस्ट स्पीसीज एंड ट्रीट, ये इंपॉर्टेंट। मिक्सोमाइकोसिस में जो मैनिफेस्टेशन है दैट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट स्पीसीज, मतलब कैसा है रैबिट, कौन सा है। तो दो तरह के रैबिट होते हैं यूजली, ठीक है। एक होता है सिल वी लेगस या कॉटन टेल रैबिट, एक होता है ऑरिक्टोलेगस कोनिकोलस रैबिट। इन केस ऑफ सिल्विगेलस रैबिट टेंड टू बी रेसिस्टेंस, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते, सिर्फ स्किन में ट्यूमर, सिस्टमिक इन्फेक्शन यूजली देखने को नहीं होता, नोडल फॉर्मेशन, नोडल लाइक फॉर्मेशन ओवर द स्किन, ये रिस्ट्रिक्टेड होगा इसमें। लेकिन इन केस ऑफ ऑरिक्टोलेगस कोनिकोलस ये सीवियर डिजीज, सीवियर फॉर्म में आता है, हाई मॉर्टलिटी होता है, पर एक्यूट डेथ हो सकता है, कोई ज्यादा चेंजेस शरीर में दिखेगा नहीं, पर एक्यूट डेथ हो जाएगा। जो एक चेंज बड़ा कॉमन है डेट इज इडीमा ऑफ द आईलिड्स, ये इसका पहचान है, ड्यू टू इडीमा ड्रोपिंग अपीयरेंस ऑफ द आईज, ऐसा लगता है कि सो रहा, आंख बंद नहीं करता है, आंख में आईलिड्स में इडीमा होने की वजह से आईलिड्स अपने आप ही दब जाता है, झुक जाता है, ऐसा लगता है कि आंख बंद किया हुआ, ड्रूपी अपीयरेंस ऑफ आईज ड्यू टू सीवियर एडिमा ऑफ द आईलिड्स, ठीक है। और जब पैराक्यूट डेथ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखते, अगर थोड़ा जो सर्वाइव करेगा तो स्किन के हेमरेजेस होंगे और स्क्रीन स्किन, और जो लेट जो क्रॉनिक फॉर्म में चला जाएगा हाईली सर्वाइविंग होगा उसे भी वैसे ही नोड्यूल्स फॉर्मेशन होगा जैसा कि सिल्वी लेगस रैबिट में होता है, स्किन के नोड्यूल्स मिक्सोमाइकोसिस ग्रोथ, लेकिन इसमें सिस्टमिक इन्फेक्शन और डेथ के चांसेस बहुत होते हैं ऑरिक्टोलेगस में, और इसमें जीरो चांसेस है सिल्वी लेगस में। ऑरिक्टोलेगस के जो चेंजेस है वो इसके साथ सिमुलेट कर सकता है सिल्वीगेलस के साथ, लेकिन सिल्वी लेगस वाला कभी इसके साथ नहीं कर सकता, ऑरिक्टोलेगस के साथ जो सर्वाइविंग लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हैं उसमें भी सिल्वीगेलस रैबिट की तरह ही नोडल फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका मेन कहानी ये है कि बहुत अर्ली डेथ हो जाते हैं तो लॉन्ग सर्वाइविंग केसेस देखने को नहीं मिलता। मिक्सोमाइकोसिस ग्रोथ बहुत कम ही बर्ड्स में एनिमल्स में दिखेगा, ये तो बहुत अर्ली डेथ हो जाते हैं, ठीक है। कमिंग टू कोक्सीडियोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, 100% ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, सब लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये टर्म तो एकदम लिख लीजिए, चाहे क्वेश्चन कोई बनाए कहीं बनाए ये तो आएगा ही आएगा, और आप इसको पहले से जानते भी होंगे। हम लोग कोक्सीडियोसिस कहाँ पढ़ते हैं, बेसिकली बर्ड्स के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कोक्सीडियोसिस एनिमल्स में भी होते हैं, बर्ड्स को जरूर पढ़ते हो, एनिमल्स में डिटेल में नहीं पढ़ते चूंकि इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आते एनिमल्स में। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है इन केस ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स पार्टिकुलरली दिस रैबिट, जितने भी कोक्सीडियोसिस आपने पढ़ा है सब इंटेस्टाइनल कोक्सीडियोसिस पढ़ा है, एनिमल हो या बर्ड, सिर्फ रैबिट ही ऐसा है जहाँ पे कोक्सीडियोसिस इन हिपेटिक फॉर्म हो सकता है, हिपेटिक कोक्सीडियोसिस हो सकता है, एंड इंटेस्टाइन से एंट्री करके लीवर तक पहुँच सकता है इन केस ऑफ रैबिट। और जो स्पीसीज है एमेरिया का डेट इज स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट, लीडिंग टू हिपेटिक एब्सेस, लीवर में एब्सेस हो जाता है, 80% रैबिट में, 80% यही स्पीसीज है एमेरिया स्टडी, इसलिए ऑब्जेक्टिव में इसका आने का चांस 100% है, ठीक है। तो नेचुरली कोक्सीडियोसिस इंटेस्टाइनल डिजीज है, एंट्राइटिस होगा, डायरिया होगा, बहुत ज़्यादा फॉर्म में हो जाए तो आपको पता है कि कोक्सीडिया के बहुत सारे स्पीसीज हैं और उसके मैनिफेस्टेशन डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज ही होता है, इमीडिएट डेथ भी हो सकता है, लॉन्ग स्टैंडिंग भी हो सकता है, जैसे बर्ड्स में हमने देखा 99 स्पीसीज है, तो जो उसका मैनिफेस्टेशन होगा सब रिस्ट्रिक्टेड टू इंटेस्टाइन है, लेकिन क्या होगा डेट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज ऑफ द एनिमल, कुछ हाईली पैथोजेनिक होते हैं, कुछ मॉडरेटली पैथोजेनिक होते हैं,
कुछ बहुत ही स्लाइटली पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक, तो इसे भी वैसे ही कहानी। लेकिन आपको याद जरूर करना है ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हाईली पैथोजेनिक है कि नहीं है। एक जैसे एमेरिया इंटेस्टाइनलिस पूछ लिया, इट इज हाईली पैथोजेनिक, मॉडरेटली पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक, तो अब ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हिपेटिक का तो अलग कहानी है, एक लौता स्पीसीज एमएलए स्टडी जो लीवर तक पहुंच सकता है, लीवर में डैमेज कर सकता है, और कोई इसका दूसरा कोई नाम नहीं है, इधर लौता है, इसलिए तो आना ही आना है। इधर वाला भी चार्ट याद कर लीजिएगा, कौन मॉडरेटली पैथोजेनिक है, तो तीन चार नाम है, हाईली पैथोजेनिक में दो नाम है, मॉडरेटली में तीन नाम है, नॉन पैथोजेनिक या स्लाइटली पैथोजेनिक में तीन चार नाम है। इस पर एक बार से असर नहीं आ सकते, इसको याद कर लीजिए। कमिंग टू लाइफ साइकिल, सेम कहानी है जैसे बर्ड्स में होता है, जैसे ह्यूमन में होता है, जैसे एनिमल्स में होता है, कुछ नया नहीं है। सेम मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेम लाइफ साइकिल, सेम क्लिनिकल साइन, सब कुछ वैसा ही है। इंटेस्टाइन वाला तो सब कुछ वैसा ही जैसे आपने पढ़ा है। हेपेटिक ऑक्सीडोसिस आपके लिए नया हो सकता है। इंजेशन ऑफ एस्पोरेटेड ओसिस्ट, एस्पोरोजॉइट्स इन्वेड द ड्यूओडेनम, माइग्रेट टू लैमिना प्रोप्रिया, देन रीचेस द रीजनल मेसेंटरिक लिम्फ नोड्स, और वहां से थ्रू ब्लड रीचेस टू लिवर by 48 hours, ठीक है, 48 hours में ही पहुंच जाता है ये लिवर तक। ये नया बात है हेपेटिक ऑक्सीडोसिस, ठीक है। एस्पोरोजॉइट्स आफ्टर एंटरिंग द मेसेंटरिक लिम्फ नोड्स कैन कम टू द लिवर, और लिवर में जो चेंजेस है डेट इज एब्सेस फॉर्मेशन, लिवर एब्सेस फॉर्मेशन। Hepatic coccidiosis, animals are thin, pot-bellied, lack body fat reserves, dark brown to green swelling of the perineal region, ascites, liver change होगा तो ascites होगा ही, depending on the degree of liver involvement, hepatomegaly हो सकता है या jaundice हो सकता है, grey necrotic spots, छोटे बड़े necrotic spots, 2-2 centimeter तक, gallbladder is thickened, इसी को यहाँ पे लिख रहा था, cholestatic stains. Gallbladder is thickened with green bile, ठीक है। तो ये है कि hepatic coccidiosis को एक दो बार देख लें, इसके चांसेस है, और ऑब्जेक्टिव में तो आएगा 100%। कमिंग टू माइट इन्फेस्टेशन, इसे मुझे कुछ आपको बताना नहीं, ये रटने वाली चीज है। ईयर मेंज को क्या बोलते हैं, Soroptus coniculi, ठीक है, ईयर में होगा तो ऑटो ऑटोकेरियसिस बोलते हैं, सिंपल है, या सोरोप्टिक मेंस बोलते हैं, इसी से लिया गया सोरोप्टिस कोनिकुलाई से सोरोप्टिक मेंस, या ईयर मेंस या ईयर कैंकर, ये टर्म इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है कैंसर है लेकिन ये कैंकर है, हाँ, और ये ड्यू टू माइट्स है, कौन सा माइट, सोरोप्टिस माइट, तो इसको देख लें, इसको रट लें, बस इतना ही रटना है, और बाकी इसमें जितनी कहानी है उसको छोड़ दीजिए। माइट इन्फेस्टेशन में ये टर्म और ये ऑर्गन, ये सीन होने बस इतना ही पढ़ उसको छोड़ दीजिए। तो वो सोरोप्टिक मेंज के लिए था। अभी आपने पैरासिटोलॉजी नहीं पढ़ा है ना, वो थर्ड ईयर, ये थोड़ा सा समझ में आएगा। थर्ड ईयर माइट्स डिफरेंट टाइप का होते हैं, एक सोरोप्टिस ग्रुप का होता है वो आपने देख लिया, और एक होता है सार्कोप्टिक मेंज, इसका भी आपको इतना ही पढ़ना है, कौन सा स्पीसीज है, सार्कोप्टिस इसके वे सबसे इंपॉर्टेंट, एनिमल में ह्यूमन में सब में सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज यही है सार्कोप्टिस इसके वे, ठीक है, लीडिंग टू हाइपरथायरायडिसिस, सिबोरिया, हेयर लॉस, एलोपेशिया। तो ऑलमोस्ट लगता है हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया, मैं देखूंगा कुछ छूट रहा होगा तो, ये सारे हो गए आपने, एक दो हो सकता है छूट रहा हो। नेक्स्ट क्लास में जो आपका वाइल्ड एनिमल्स का दो इम्पोर्टेंट डिजीज है और आने के पूरे चांसेस हैं, एक क्वेश्चन और फॉरेस्ट डिजीज बोलते हैं, एक वेस्ट नाइल फीवर बोलते हैं, और भी नाम है वो सब वैसे ही है जैसे एनिमल्स में पढ़ते रहे, बाकी सारे नाम वैसे क्या क्या नाम बताए सर, हाँ वाइल्ड एनिमल्स में सब नाम वैसे ही है जैसे एनिमल्स में पढ़ा है आपने, दो ऐसे नाम है जो आपको सिर्फ पढ़ना होगा, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक वेस्ट नाइल फीवर है जो आप नहीं पढ़े होंगे, और एक क्वेश्चन और फॉरेस्ट डिजीज है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग दोनों पढ़ेंगे, और लैब एनिमल्स से दो चार बातें मुझे लगता है छूट रहा है इसमें, दो चार डिजीज उसको भी हम लोग अगले क्लास में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हो गया।
ये एक रिवीजन, इसे मेरा इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं, ऐसा टॉपिक है जिसे मैं आपके